नीमच में अब तक का सबसे बड़ा राशन घोटाला सामने आया है। 7 दिन तक रोज होता रहा राशन गायब। नागरिक आपूर्ति निगम और स्टेट वेयर हाउस की भूमिका संदिग्ध लग रही है। गरीबों के राशन की काला बाजारी के अब तक तो छोटे मोटे मामले सामने आते रहे हैं और कंट्रोल संचालक इस मामले में लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है जब राशन से भरा ट्रक ही गायब हो गया और एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन तक गायब होता रहा और राशन की काला बाजारी चलती रही। खुलासे के बाद जहाँ कलेक्टर मयंक अग्रवाल खुद सकते में है, वहीं अधिकारी भी हतप्रभ है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। प्रशासनिक जांच में पता चला है कि अब तक के 17 लाख का राशन गायब हुआ है। हालांकि ट्रक जब्त कर लिया गया है और परिवहन करने वाले ठेकेदार का भी ठेका निरस्त कर दिया है। करीब 513 क्विंटल गरीबों का गेहूं आखिर कहां चला गया, इस बात की जांच प्रशासन अधिकारी कर रहे हैं। पूरे मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक केएल बघेला और स्टेट वेयर हाउस के प्रबंधक पीके चौधरी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। दोनों अधिकारियों ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए भार होने की बात बताई है। नागरिक आपूर्ति निगम के केएल बघेल का कहना है कि वे नीमच से भार थे, उन्हें पता नहीं है कि ये कब हो गया। वही स्टेट वेयर हाउस प्रबंधक पीके चौधरी का कहना है कि वे भी बाहर थे। सवाल यह उठता है कि गरीबों का राशन सप्लाई करने वाले दोनों विभागों के प्रमुख जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनकी भूमिका नजर आ रही है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने इसमें निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। इधर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा पूरे मामले में FIR दर्ज करा दी गई है और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जल्दी जांच आगे बढ़ेगी तो चेहरे उजागर होंगे और गरीबों का राशन कौन डकार रहा है यह भी पता चलेगा।